नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अस्टुडे में। रक्षाबंधन जो है वो नज़दीक आ रही है। जिस तरह से जहाँ पे राखियाँ मिलती हैं वो दुकानें सजी हुई हैं, उसी तरह से बिल्कुल जो मिठाई की दुकानें भी हैं वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो स्वीट्स हैं वो बनी हुई हैं। जैसे राखियाँ अलग अलग मिलती हैं, वैसे ही स्वीट्स जो हैं वो भी अलग अलग टाइप की यहाँ पर बनी हुई है। आज हम आए हैं सूरज स्वीट में, आइए उनके MD जो हैं उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या जो हमारी भाई और बहनें हैं उनके लिए क्या खास जो स्वीट्स हैं उन्होंने बनाई हुई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस पर जो हमारी रक्षाबंधन आ रही है उसके लिए आपने हमारी भाइयों और बहनों के लिए क्या खास प्रबंध किए हुए हैं मिठाइयों के पास? हमेशा बेटा सब स्पेशली मिठाइयाँ होती हैं, ताज़ी मिठाइयाँ बना रही हैं डे एंड नाइट लगा के। जितना रिक्वायरमेंट है ये हर साल की तरह स्पेशल स्टॉल हमने ये बस स्टैंड के सामने लगाया है और सब भाई बहनों के लिए मतलब कि क्राउड को कवर करने के लिए हमने स्टॉल लगाते हैं और जो कि सबको आराम से मिठाई मिल पाए। सर, जैसे कि आप कोई भी फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल में अच्छी से अच्छी मतलब अपने जो कस्टमर हैं उनको अच्छी से अच्छी स्वीट्स उपलब्ध करवाते हैं, इस बार क्या खास है आपने? इसमें तो यही है बेटा कि सबसे अहम बात तो ये है कि हमने बिल्कुल फ्रेश मिठाइयाँ देनी है। मिठाई का मतलब ही फ्रेश मिठाई होता है, अगर दो चार दिन पुरानी हो तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो टोटल जितनी हम मिठाइयाँ बनाते हैं, अब मिठाइयों की गिनती तो मैं आपको गिना नहीं सकता, मतलब 150-200 के करीब हम लोग आइटम बनाते हैं। जैसे जैसे बनती जा रही है वैसे वैसे सब आती जा रही है और आज पूरा सुबह 4 बजे के लगे हैं, नाइट लगेगी, कल नाइट लगेगी, परसों तक जितना हो पाएगा हमारे पास। पहले तो रक्षाबंधन वाले दिन 10-11 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इस बार देखते हैं। अभी मौसम भी आज ठीक है, माहौल भी ठीक है और 15 अगस्त भी है और पूरे देश और प्रदेश वासियों की मेरी तरफ से रक्षाबंधन और 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी एच टूडे को बहुत बहुत मुबारक जो हमारे हर फेस्टिवल पे हमारे साथ आके चेक करते हैं, देखते हैं और सब लोगों को बताते हैं। जो है वो क्या खास आपने मिठाइयाँ जो है बनाई हुई हैं इस बार? सारी मिठाइयाँ तो जो बनाते हैं बनाई, उसमें स्पेशल हमने हनी ड्राई फ्रूट लड्डू और ड्राई फ्रूट लड्डू, खजूर ड्राई फ्रूट लड्डू, ये 5-6 आइटमें हमने बीच में ऐड की है जो कि लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा ड्राई फ्रूट की तरफ लोगों का ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा है और बाकी बेसन तिरंगा लड्डू ये तो हमारे आपको पता ही है कि लाइन में लगा के बिकते हैं और यही बाकी तो मिठाइयाँ ये आपको मैंने बताई, अब गिनती करूँगा। कलाकंद है, मिल्क केक है, अपना ये अमरती है और ये अब मिठाइयाँ आपको मैं किस तरह गिनती करके बता सकता हूँ, इतनी मिठाइयाँ। तो अब जो लोग पसंद करते हैं, कोई कलाकंद पसंद करता है, कोई खोया कतली पसंद करता है, कोई देसी बर्फी पसंद करता है, ये लोगों के हिसाब से हमने जो रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हमने सारी मिठाइयाँ बनाई हुई हैं और जैसे जैसे बनती जा रही है, बीच में कोई कम हो रही है, कोई बनती है, जितनी देर बनती है दूसरी देर दूसरी कोई बंदा पसंद कर लेता है, तो इसलिए आज और कल हमारे लिए ये काफ़ी भारी दिन होता है। जो हमारी ये रहती है कि हम लोगों के जो इतनी इतनी दूर से हमारे पास आते हैं, नाम सुन के आते हैं, नाम जिन्होंने टेस्ट किया हुआ टेस्ट की वजह से आते हैं, फिर हमारी भी कोशिश रहती है कि सबको सामान मिल जाए। तो इन्हीं बातों के साथ विश्वास है लोगों का बना हुआ कि सूरज स्वीट में अच्छी ही वैरायटीज़ की अच्छी ही स्वीट्स मिलती हैं, हर एक चीज़ जो है वो A1 होती है, बहुत अच्छी बात है ये। तो सर ये बताइए कि जैसे विश्वास की बात है तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को इसके प्रति बहुत विश्वास है, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये ऐसा है कि हम लोग जो मिठाई बनाते हैं तो हमारी कोई बाहर से नहीं आती, हम लोग सारी मिठाई खुद बनाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाती है तो कस्टमर हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारे पास अब जो बना रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म भी हो जाती है। तो इसलिए लोगों के लिए चॉइस तो हमारे पास काफ़ी होती है, वो नहीं हो तो बंदा कुछ और ले लेता है। ऐसे करके मिठाइयाँ तो हमारे पास काफ़ी हैं। अब देखो, अब बरसात का मौसम है, कई मिठाइयाँ तो एक दिन भी नहीं चलती है और मॉइस्चर आ जाता है खुले में मिठाई रखने में, इसलिए थोड़ा बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी, मैं तो नहीं बिल्कुल चाहता कि कोई मेरे को कंप्लेंट आए या किसी को मैं सामान गलत बेचूं, मेरे को इस चीज़ से बड़ी वो रहती है, अभी किसी की अगर कंप्लेंट आ जाए तो मेरे को हो जाता है थोड़ा कि ये किसकी वजह से आई, मेरे को इस चीज़ से बड़ा वो करता हूँ मैं।
से इस बार जो है 15 अगस्त को जो है, एक तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे भी है और साथ में राखी भी है, तो फिर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर क्या आपने कुछ खास बनाया है? या पहली बात तो मैं बेटा आपको बताऊंगी, ये जो 15 अगस्त है ना, ये मेरे अगर मन की बात सुने तो ये 15 अगस्त ही कुछ स्पेशल है जो हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उसके ऊपर, मतलब मेरे अंदर से जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे स्पेशल मेरी लाइफ का ये 15 अगस्त डे होगा। हम अभी आए हैं जहाँ पे मिठाइयाँ बनते हैं, आइए उनसे यहाँ पे देखिए कि किस तरह से अलग अलग जो है मिठाइयाँ बन रही हैं, ये लोग बना रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इनको बनाते हैं और कितना टाइम मैक्सिमम इनको लगता है। इनको अलग अलग स्वीट्स जो बनाई हुई हैं, देखिए देख सकते हैं आप कि किस तरह से इन्होंने बनाई हुई है, कुछ बना रहे हैं कुछ बन रही हैं यहाँ पे, तो हम इनसे जानते हैं कि इनको बनाने में इसको कितना टाइम लगता है और क्या रिक्वायरमेंट जो है वो इसके लिए होती है। कौन सी स्वीट है? एक कोकोनट बर्फी है। इसको बनाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? 20-25 मिनट में। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? 20-25 मिनट लगता है और इसको जमने में 2 घंटे का समय चाहिए। और क्या रिक्वायरमेंट रहती है उनके लिए? ये अपना सूरज स्वीट में अच्छा, सबसे अच्छा मिठाई बनता है। इसमें आपका हो गया कोकोनट बर्फी है, इसमें कम से कम आधा घंटा लगता है। इसमें खोया डालता, इसमें स्वादिष्ट बनता है खोया डालते हैं, और इलायची पाउडर सारे एसेंस लगाते हैं। और इधर हो गया अपना नीचे दिखाई, हर साल की तरह इस बार भी राखी के पर्व पर हमीरपुर बाजार की सारी मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। राखी का पावन अवसर इस बार 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक होगा। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उन्हें तरह तरह की मिठाइयां भी खिलाती हैं। मिठाई की दुकानों में अनेकों प्रकार की मिठाइयां देखने को मिल रही हैं। बाजारों में मिठाई के दुकानदारों की ओर से मिठाई बेचने के लिए दुकान के बाहर स्पेशल स्टॉल भी लगाए गए हैं। सूरज स्वीट्स दुकानदार के एमडी का कहना है कि इस बार राखी के पर्व पर कई तरह की मिठाइयां बनाई गई हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश है। उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी स्पेशल स्टॉल बस स्टैंड के नजदीक लगाए गए हैं ताकि सभी बहनों को मिठाई आसानी से मिल सके। उन्होंने बताया कि लगभग 200 के करीब मिठाई की आइटम्स राखी के पर्व पर बनाई जाती हैं और सारी फ्रेश मिठाइयां बनाई जाती हैं ताकि किसी को भी मिठाई खरीदते समय दिक्कत न आए। उन्होंने राखी के पर्व और स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है।
नमस्कार, सूरज स्वीट एंड रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आपको पता ही है कि सूरज स्वीट एंड रेस्टोरेंट की यहाँ पे 5 शॉपें ओपन हो चुकी है और ये हमीरपुर की बेस्ट शॉप में से एक कहलाई जाती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिवाली पे भी हमने कुछ स्पेशल आइटम्स इंट्रोड्यूस करी थी आपके सामने, तो इस बार भी हमने स्पेशल आइटम्स बनाए हैं, जैसे केसर कलाकंद हो गया, डिज़ाइन केक के डिज़ाइन बनाए हैं तिरंगा की उसमें कलर में, और ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, हनी ड्राई फ्रूट लड्डू है, और मैंगो बर्फी बनाई है इस बार जैसा कि सीज़न चल रहा है मैंगो का, और मलाई चाप है, और पतीसा जो कि हम नॉर्मल उस पर नहीं बनाते हैं वो भी इस बार हमने बनाया है, चॉकलेट बर्फी है जो फेस्टिवल पे बनाते हैं, और खोए वाला गेवर बनाया है जो कि हमीरपुर में मिलना इम्पॉसिबल है, पर हमारे जो ओनर हैं उनकी वजह से उन्होंने वो उस्ताद लेके आए जो गेवर बनाते हैं, तो उन्होंने गेवर भी बनाया है। और जैसा कि लोगों का रुझान है तो आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ रश पड़ता जा रहा है, आप भी आइए और सूरज स्वीट और रेस्टोरेंट की मिठाइयों का और रेस्टोरेंट की डिशेस का आनंद लीजिए। जैसे अंगूठी पेठा हो गया और शुगर की बर्फी हो गई और केसर कलाकंद, और जैसे कि रक्षाबंधन के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे भी है, तो फिर इंडिपेंडेंस डे के लिए आपने क्या स्पेशल बनाया है? स्पेशली केक, मतलब केक बनाया हमने और पेस्ट्री और बहुत सारी आइटम हैं जो इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाई गई है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, बहुत सारी हमको बताना मुश्किल है, कुछ चीज़ को हमें पता भी, कोकोनट बर्फी है, चॉकलेट बर्फी है और केसर कलाकंद पिस्ता बर्फी हो गई।